that somebody, you know, should take advantage of that, but they did. They have put false videos on the internet stating that it is Salma Agha's daughter. But it is not. And if it was, I would not be out here in public, in front of cameras, facing all of you. I'm doing that today because mera jo naam hai wo kharab kiya gaya hai for all the wrong reasons and to gain cheap publicity. And this is purely cheap publicity. And when I was asked from this journalist, jinka naam hai Tushar Joshi, unko maine clearly bola tha ki this is not me. And you can even go and check out my pictures on the internet, which are there. And he still said to me that even if it's not you, it doesn't matter. I'm going to, you know, print this news and you can deny it later on. I'm here today in front of all of you. In fact, I got that MMS clip on my mobile and I'm going to play it for all of you. And I want to show it because it's bad what's happening nowadays. I mean, we have these. See, I'm putting it right next to my face. Nobody does that. And I'm very angry and hurt about it. And I'm trying to explain it to everybody in the best way possible. Agar ye main hoti, to maine ye nahi kiya hota ki main apne face ke saath ye MMS clip daalun aur kahun. और बताऊं सबको कि मैं नहीं हूँ बिकॉज इट्स रियली नॉट मी. जो वीडियो इस जो ये वीडियो जो था विच वेरी इजीली यू नो एज इज स्टेटेड लाइक अ ब्रेकअप स्टोरी विथ दिस पर्सन कॉल्ड रुस्लान मुमताज. आई न्यू हिम, आई एम नॉट गोना से आई डोंट नो हिम, बट द बैड पार्ट इज दैट यू गाइज थॉट दैट ही इज माई बॉयफ्रेंड विच ही इज नॉट. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल he's not interested in women at all, and second of all, somebody who, you know, is trying for cheap publicity to have his name in, you know, on the front page of Bombay Times is very disgusting. We have filed a complaint against an unknown person jinhone YouTube पे बहुत MMS. सारे वीडियोस डाले हैं. देयर अबाउट 10-15 वीडियोस विद स्टेट सलमा आगाज डॉटर नाउ ऑल डिफरेंट पीपल इन यस विद ऑल डिफरेंट पीपल इन इट एंड आई कांट से दैट यू नो हु इट इज. आई डोंट नो हु इट इज बट हुएवर इट इज इट्स अ वेरी बैड थिंग दैट समबडी हैज डन दिस. बट आई गेस इन टुडेज डे देयर आर सो मेनी पीपल हु गेट जेलस हु आर इनसिक्योर अबाउट समथिंग और हैव सम सॉर्ट ऑफ टिफ टाफ यू नो. यू कांट से व्हाट इट इज. ये प्रिंट आउट है. It's an authentic printout of the way that man has been blackmailing and harassing my daughter. That's the conversation. ये I think के it's very unfair. And आप हमें तो हम लोग तो एक बॉलीवुड से है ना. आप लोग एज ए मीडिया हमें खुद ये बताइए. हम आपसे सवाल करते हैं कि एक आदमी जब किसी को कहता है कि मैं तो ये छापने लगा हूँ, मुझे पता ये सच नहीं है, ये यहाँ सारा रिटन सबूत है, आप बाद में डिनाई कर देना. What kind of journalism is this? It's not nice. इसका हुआ ये है कि ये अफसोस की बात है कि ये एक एक्ट्रेस का बेटा अंजना मुमताज का इस तरह उसने एक और फेलो कलीग की बेटी के साथ ऐसा किया. ये बहुत अफसोस की बात है. आई थिंक उसके पेरेंट्स को चाहिए था इस पे कुछ एक्शन लें. हर मदर इज वेरी वेल नोन. उसको चाहिए था रोके. एंड ही इज 32 इयर्स ओल्ड मैन हु इज बीन ट्राइंग आउट इन द इंडस्ट्री एंड ही डिडंट मेक इट. इट्स नॉट आवर फॉल्ट. इसमें से सिर्फ एक ही आदमी है जो बेनिफिट कर रहा है, एज अ हीरो पब्लिसिटी ले रहा है. वो हीरो 32 साल का एक आदमी है जिसकी पिक्चर पता नहीं कब खत्म हुई थी, खत्म हो गया. उसके लिए वो हम लोगों पे वो कहते हैं फायर्ड बुलेट. ही इज अ फायर्ड बुलेट एंड ही इज ट्राइंग टू शूट एट माई डॉटर्स शोल्डर. इट्स नॉट नाइस. देखिए, अगर पब्लिसिटी स्टंट करना होता और बहुत धमाके से करना होता तो आई थिंक द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे आई कुड हैव डन अ लॉट राइट. बट आई डिडंट बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई वाज वेरी शॉक्ड एंड आई एम वेरी नर्वस टू बी आउट हियर एंड टू बी डीलिंग विद समथिंग लाइक दिस बिकॉज इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू कम आउट हियर एंड टॉक अबाउट सच स्टफ. इट फील्स ऑकवर्ड.
यू नो।